नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली के लिए रवाना, विदेश जाकर कराएंगे अपना इलाज। यूपी में बीते 24 घंटे में एटीएस ने पीएफआई के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में तवाघाट लिपुखेक नेशनल हाईवे कल शाम लैंडस्लाइड के बाद से बंद, 40 यात्री फंसने की जानकारी। एमपी में सीएम शिवराज ने उज्ज्वला योजना में लापरवाही पर मंच से डीएसओ को किया सस्पेंड। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,912 नए मामले आए सामने। यूपी में बारिश से बुरा हाल, फिरोजाबाद में गैराज में डूबी 50 गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अंडमान निकोबार द्वीप में आया भूकंप, तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1%। राजू श्रीवास्तव के लिए मुंबई में रखी गई है प्रार्थना सभा। और बिहार के किशनगंज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बूढ़ी काली माता मंदिर में किए दर्शन।